कुत्ते का लो बाबा हला ढोकले का औलाद तेरा भारुए सारा तानिया जा गीत गाती है पदनी ऐसा गीत गाता है कितना मर्दम ते गलों का भेद दे सास को बच्चा के लिए पैदा करूंगा बिहारी बाबा हूँ मैं डरने वाला बाबा नहीं हूँ जैसा देवता हूँ सब भर बात बोलो आप पर केस करेंगे तेरा गाड़ी वाला केस केस को तो खा जाऊंगा डोंट टच मी नो परमिशन बोलो बोल रहे हैं कि आप पर केस करेंगे आप तने जाकर नाम लेकर बदनाम कर रहे हैं साल दिखा दिखा को आज जेल होई आ कल बेल होई अच्छा परसों से हुए खेल होई फिर गा थूगा साले को फिर गा थूगा साले को डोंट टच मी गलत गीत गाया मैं कौन बाबा हूँ तेरे रोजगारों से लड़ाई किया हूँ तेरे ट्रक लगा फोड़ डालूगा मेरे को बीच चालू हो गया तानिया जा पता नहीं अब तेरे से विवाह नहीं करूंगा तू दोगली का औलाद है हरमजादी बट हो गया मैं इसे विवाह नहीं कर सकता दोस्त या दुश्मनों से दुश्मनी देख अच्छा भोलेना त्रिकाल है बाबा दो गालवा देखा था मगर ते गालवा नहीं देखा था डॉक्टर नौ पानी साल चलो भौरियों का औलाद तू आके दिखा तू मेरे को बताएगा तू बताने लायक रख मैंने तेरा फ्यूज कंटेक्टर निकाल दूंगा फ्यूज कंटेक्टर निकाल दूंगा साले तेरा सामान गायब कर दूंगा मोहंतर से छक्का बना दूंगा डोंट टच मी मैं महाकाल का पूछ पता नहीं कौन भी उपाय ओ तनिया झा वो किसी के लायक नहीं है वो लोभी है इससे मैं बात भी नहीं करूंगा इसका फोटो भी नहीं देखूंगा जैया जब मेरे सामने आएगा तो साला के टोक टाकला दुगो करूंगा मार के जैसे तेजस्वी को बोला तेजस्वी अगर मनीष कश्यप नहीं छूटता है तो तेरे गान में स्टैंड अप करूंगा त्रिशूल क्योंकि तेजस्वी को हमने जिताया है आज तान्या जाए को गायिका है और क्या है मेरे पास पावर ग्रिड है जो बॉडी गार्ड मेरे से बात किया उसको मैं सजा दूंगा डोंट टच मी नो परमिशन महाकाल घोरा मंत्र से अगर ताने जा आपके ऊपर एफआईआर करते हो तो क्या करेंगे पादनी के सामाने गायब कर देंगे होगा कहाँ पेट्रोल के साथ में मेरे को जगा के और लेके रोड पर चार चक्का में बैठा कर निकल गया और कोई नहीं जानता है मैं आधा घंटा गाड़ी चली सुनसान जगह कहीं पहुंचा वहाँ एक पोखरा एक शिव मंदिर है एक ब्रह्म स्थान है वहाँ 20 आदमी वहाँ मौजूद थे यानी बंदूक लेकर के अच्छा उसके गुंडे हाँ उसके गुंडे मेरे को मालूम हो गया यहाँ मरवाने के लिए ये चाल चल दिया है अच्छा पटना में नहीं चला तो यहाँ ऐसा किया है और वो जब गाड़ी से आती है मैं मंदिर में बैठा हूँ गाड़ी से आते ही बदमाशों के जैसा अटैक करती है मेरे ऊपर शूज कपड़ा पहनी है बदमाशों के जैसा हाँ और त्रिशूल डमरू छीन लेती है डमरू को लात मारती है चश्मे को तोड़ करके लाश से कुचल डालती है और माँ का गाली देने लगा रेत उकार करने लगा और बदमाश सब बंदूक लेके भिड़ाए हुए और कैमरा नीचे हो रहा है हमारी खाली कार्यक्रम होता है और बंदूक जो है उसका कैमरा नहीं हो रहा है अच्छा सब मैं लीला देख रहा हूँ अच्छा उसके बाद अपने बदमाशों से भी मार खिवाया है अपने भी मारा है देखो ये नाखून से ऐसे बखोरा है ऐसे अच्छा। उसका हाथ नो था लंबा लंबा ऐसे जब मारी तो खोखरा गया मैं ऐसे गिर गया बचते बचते उसके बाद लात से पांव से मारती है मेरे सर को झुकाती है शरण तक लो अपना कि झुक जा और गोर लाग कहा कि बेटी है बेटी लायक तो है नहीं तो बेटी कहाँ से होगी किसी बहन के लायक है नहीं तो बहन कहाँ से कहेगी आप भी अपना जान बचाने के लिए बोले तो हम क्या कर सकते थे वहाँ मैं अकेला हूँ किडनैपिंग में न सरकार है न कुछ है वो गुंडों के बीच में एक गुंडी है वो एक आचरण बिगाड़ने वाला गीत भी गाती है और गुंडागर्दी भी करती है अगर ऐसे सरकार रहते हुए या गुंडागर्दी लेडीज हो के साला ये वायरल बाबा पर उठवा लिया ये मामूली बात नहीं है मैंने वहाँ गाते देता मगर कंट्रोल किया अपने आप पर बंदूक हम कुछ नहीं समझते बंदूक चलाएगा तो हम छेद डाले मगर प्रशासन का हमने इज्जत किया वहाँ प्रशासन भी साला था मगर वो बोल नहीं रहा था उसी का वो आदमी था अच्छा। कुत्ता था जो गाड़ी के छुप के सब रहता था हमारा गीत गा के क्यों बदनाम करते रहे साला तेरा तो गीत मैं गाता हूँ तू तो खुद बदनाम है तेरे को कौन बदनाम कर सकता है और सुनो हमने